चार्जेस बढ़ने की वजह से काफ़ी रिफ्यूलिंग मुझे करानी पड़ती है, और उस ये प्राइसेस थोड़ा दे यू नो दे आर हार्ड ऑन माय पॉकेट. सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट. मैंने सुना कि ट्रेड पैरिटी प्राइस के हिसाब से ये प्राइसेस डिसाइड होते हैं. आई थिंक इंडिया शुड टेक अ स्टेप कि वो अपने रिसोर्सेज जो उनके यूज़ हो रहे हैं, उनमें जो खर्चे हो रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइसेस सेट करें, बजाय कि ये ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग के. गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में कि पहले उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा रखी है और ऊपर से पेट्रोल की मार कैसे करेंगे. आप बताइए, कॉमन मैन तो मरता ही जा रहा है महंगाई के तले. बहुत इन्हें नाइंसाफी हो रही है. जिस हिसाब से सरकार ने, मोदी सरकार ने बोले थे आते ही हम लोग महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन का हम लोग ये लेके बैठे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है. दिन ब दिन आदमी मतलब महंगाई में फेस नहीं कर पा रहा, और आदमी दिन ब दिन का ये होता जा रहा है. कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हमारे इंडिया में पेट्रोल ठीक है. जैसे अगर आप बाजू चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान का रेट ले लेंगे, तो हमारा हैदराबाद का रेट और इंडिया का रेट इक्वली है, ज़्यादा फर्क नहीं है. और मोदी सरकार जो काम कर रही है उसके हिसाब से हमको कोई दिक्कत नहीं है. सरकार बढ़ाई जा रहा है, मजबूरी में तो चलना ही पड़ेगा, किसी तरह रोटी तो खाना ही पड़ेगा. आप भी बताइए क्या करें, सरकार तो क्या कहेंगे सर, क्या गुजारिश करें, हमारी कौन सुनेगा.